कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, सरयू, नर्मदा और यमुना समेत देश की विभिन्न पवित्र नदियों में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक की गाड़ी पलट गई। हादसे में बीजेपी विधायक विनोद कटियार घायल हुए, साथ ही उनके चालक और गनर भी घायल हुए हैं। घायलों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। झांसी कचहरी में बने वकीलों के चैंबर में आग लग गई है। आग लगने से चैंबर में रखी फाइलें जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के कचहरी का। हरदोई में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। कन्नौज में दहेज लोभियों ने विवाहिता का गर्भपात कराकर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एसपी की फटकार के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस पीड़िता पर समझौते का दबाव बना रही है। बाराबंकी में महाभारत कालीन शक्तिपीठ तालाब पर तृतीय वार्षिक देव दीपावली की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज मनाई जाएगी देव दीपावली। हजारों की संख्या में दीपों की रोशनी से जगमगाएगा घाट। कानपुर में टेम्पो बाइक में भिड़ंत के बाद युवक की पिटाई कर दी गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके बाद लोगों ने टेम्पो चालक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मामला कल्याणपुर थाने के बिछूर रोड का। ग्रेटर नोएडा में दादरी विद्युत विभाग ने बकाया बिल भुगतान को लेकर नई स्कीम लागू की है, जिसमें आसान किस्तों पर बकाया बिल जमा कर सकेंगे। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर सभी घाटों पर भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पूजन दर्शन किया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत का विशेष महत्व है। गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हापुड़ में भी लाखों श्रद्धालुओं ने दीपदान कर गंगा स्नान किया है। गंगा घाट पर पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, साथ ही एनडीआरएफ की टीम समेत पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। बुलंदशहर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां श्रद्धालुओं ने प्रतिबंधित और गहरे पानी में भी लोगों ने डुबकी लगाई है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती में लाखों लोगों की भीड़ मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरयू नदी के तट पर प्रतिदिन भव्य आरती की जाती है। अयोध्या में सरयू के पावन तट पर पुजारियों ने आरती का सौहार्द आरती के माध्यम से दिया है। वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर अब 1 अरब रुपए देगा। आपको बता दें, साथ ही पटना का महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपए देगा और महावीर मंदिर रोज अयोध्या में भंडारा भी करेगा। अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के महंत रहे रामचंद्र परमहंस और अयोध्या कस्बे के रहने वाले एक सामान्य दर्जी हाशिम अंसारी एक दूसरे के खिलाफ इस मुकदमे की आजीवन पैरवी करते रहे, लेकिन अदालती कागजों के अलावा उनकी दुश्मनी जमीन पर कभी नहीं दिखी। अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास और बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने ओवैसी पर कड़ा हमला बोला। सत्येंद्र दास ने कहा, ओवैसी ना मुसलमानों के हैं ना हिंदुओं के, ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं। अयोध्या फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसमें अफवाह फैलाने वाले कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। 77 लोगों की गिरफ्तारी हुई, साथ ही ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी नजर है। अयोध्या फैसले के बाद अयोध्या में देखिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद शिवपाल यादव अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का स्वागत किया। शिवपाल बोले, सभी को शांति, सद्भाव और भाईचारे से अपने प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर आपको बता दें, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारुति वैन कार को टक्कर मारी, जिसमें कि परिवार के 6 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल।
आगरा में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काट कर हत्या कर दी। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद महिला का कटा हुआ सिर लेकर शराबी पति फरार हो गया। भदोही में लेखपाल ने महिला और बेटियों पर एसिड अटैक किया है, जिसके बाद गंभीर हालत में मां बेटी को वाराणसी रेफर कर दिया गया। लेखपाल पर जमीनी विवाद में एसिड फेंकने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना भदोही कोतवाली के परगासपुर की। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में डीएचएफएल मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्मचारियों को डीएचएफएल पर विश्वास नहीं है, पीएफ पैसे का हिसाब सरकार को देना होगा, सरकार मामले पर जिम्मेदारी लेने से कतरा क्यों रही है। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रामाशंकर सिंह अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल की फिल्म हाउसफुल 4 ने सिनेमाघरों में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी। हाउसफुल 4 द्वारा सिनेमाघरों में दमदार प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई ने इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में भी शामिल कर दिया। फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाउसफुल 4 ने बीते दिनों में काफी कमाई की है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 ने धनतेरस के मौके पर रिलीज होकर लगभग पूरे हफ्ते ताबड़तोड़ कमाई की। बम्पर ओपनिंग करने वाले अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 दर्शकों को खूब पसंद आई और केवल देश में नहीं, हाउसफुल 4 का जलवा विदेशों में भी खूब देखने को मिला। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वो बॉक्स से बाहर सोचे, लेकिन मुझे बॉक्स से बाहर कूद कर एक कदम आगे बढ़ना पसंद है और ऑफ मेरा जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं इन एंड आउट बॉक्स जंपिंग करती हूं, हाफ एलसी टोल से शुरुआत करती हूं। शिल्पा शेट्टी बेटे वियान के साथ जमकर चॉकलेट कुकीज खाती हुई दिखी हैं। ऐसी ही एक पोस्ट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे वियान के साथ चोको चिप्स और चॉकलेट आइसक्रीम खाती हुई दिखी है। वीडियो को पोस्ट करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कैप्शन में लिखा कि वो आइसक्रीम पार्टनर बेटे वियान के साथ सेफ बू भाई के रेस्टोरेंट में कुकीज और आइसक्रीम सैंडविच का आनंद ले रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये डिसर्ट हमारे लिए बना है, इसलिए हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अभी बेड रेस्ट पर हैं। उन्होंने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चोट लगी है, दोबारा शूटिंग शुरू होने से पहले मैं उससे उबरने की कोशिश करूंगा। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें वो बिस्तर पर लेटकर टेलीविजन पर फुटबॉल मैच देखते हुए नजर आए। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि उस दिन को याद कर रहा हूं जब कुर्सी, कंप्यूटर, जी और दर्शक होंगे, लेकिन पुरानी घटनाएं और चोट अब हावी हो रही है, इससे चलना फिरना बाधित हो गया है। ये समय भी अब रोचक है, शरीर के लिए नहीं लेकिन दिमाग के लिए भी नहीं है। प्यार का पंचनामा फिल्म ने अपने बेहतरीन अभिनय से जो भी स्टार थे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी इस फिल्म के माध्यम से, लेकिन इसमें अभिनय से लाखों दिलों का दिल जीतने वाले कार्तिक आर्यन अब जल्द ही अपनी अगली फिल्म पति पत्नी और वो में नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है वो साल 1978 में आई बीआर चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वो का रिमेक होने वाली है। अनन्या पांडे फिल्म पति पत्नी और वो को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब एक्ट्रेस ने ब्राइड्स टुडे के लिए फोटोशूट भी करवाया। फोटोशूट में एक्ट्रेस स्टनिंग लुक में दिखी है। अस्सी के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी लंबे समय बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं। पानीपत में पद्मिनी गोपिका बाई का रोल निभा रही है। करीना कपूर खान के बाद फिल्म लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान का फर्स्ट लुक लीक हो गया। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर में आमिर लाल सिंह चड्ढा के लुक में जबरदस्त लग रहे हैं। रणवीर सिंह की अभिनीत 83 के आखिरी शेड्यूल में रणवीर सिंह
टून ब्रिज वेल्स मैदान पर कपिल देव के प्रतिष्ठित नटराज पोज में नजर आए, जहां कपिल देव ने 1983 के विश्व कप में सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन बनाए थे। मुकेश अंबानी की भांजी नयनतारा कुछारी की प्री वेडिंग पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारों ने भी शिरकत की। वहां पर ऐश्वर्या राय जहां अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई, तो वहीं शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा के साथ दिखे हैं। इसके अलावा अनिल कपूर शाहरुख खान का अंदाज भी देखने लायक था। दीपिका कक्कड़ और शुएब इब्राहिम टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और फेवरेट कपल्स में शुमार किए जाते हैं। दीपिका और शुएब की लव स्टोरी किसी फेयरी टेल से कम नहीं है। दोनों के बीच का प्यार फैंस को कपल गोल्स देता है। अब दीपिका की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर छा चुकी है। मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल की वेब सीरीज लिटिल थिंग्स का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें, अपने कपल गोल्स के चलते ये कपल्स का फेवरेट बन गया था। खास जड़ी